गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.1। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस। सो तो डिटरमाइन साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस सी। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अपना डायग्राम बना के देख लेना है। तो क्या कहा गया है कि एक ट्राइंगल है एबीसी। तो मान लिया हमने कि ये हमारा ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें राइट एंगल कौन सा है, एंगल बी राइट एंगल है। तो आप पहले इसको बी के तरह क्या कर दें, हम लोग बी असाइन कर दें। देन सपोज दिस इज ए एंड दिस वन इज सी। ये मान लिया गया हमारा ए एंगल है और ये कौन सा है, वो सी एंगल है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को क्या दिया गया है। अब दिया गया है कि AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो AB को हम लोग 24 सेंटीमीटर असाइन करते हैं, BC को हम लोग 7 सेंटीमीटर असाइन करते हैं। तो हमारे पास कौन सा चीज नहीं है, पहले ये देखना है कि निकालने को दिया गया है साइन A कॉस A, मतलब कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रेशियो एंड बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो, और हाइपोटेनियस हमारे पास नहीं है। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। तो हम क्या कह सकते हैं यहां पे कि बाय पाइथागोरस हम क्या निकाल सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बाय पाइथागोरस हम लोग को क्या मिलता है कि हम लोग हाइपोटेनियस कैसे ढूंढ सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू हमारे पास कितना है 24, सो 24 स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू कितना है 7, सो 7 स्क्वायर। तो हम लोगों को क्या मिल जाता है यहाँ पे, दैट इज 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 स्क्वायर दैट इज 49, हेंस वी गेट हियर 625 दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एसी जो आ गया है, एसी कितना आ चुका है, एसी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या डिटरमाइन करना है, तो अब आइए पहले वाले क्वेश्चन में साइन ए हम लोगों को डिटरमाइन करना है। साइन ए पहले ये समझेंगे कि साइन किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब बात यहां पे है कि रेस्पेक्ट कौन से एंगल के रेस्पेक्ट में, तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे। एंगल ए के रेस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर कौन सा हो रहा है, दैट इज इक्वल टू बी सी एंड हाइपोटेनियस इज ए सी। तो हमारे लिए ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, बी सी का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, सो आवर रेशियो विल बी 7 बाय 25। ओके, सिमिलरली अब आते हैं हम लोग कॉस ए में। कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, दैट इज बेस बाय हाइपोटेनियस। कॉस किसका रेशियो होता है, बेस एंड हाइपोटेनियस का। अब हम लोग देखेंगे कि ए के रेस्पेक्ट में, एंगल ए के रेस्पेक्ट में हमारा बेस कौन सा है, एंगल ए के रेस्पेक्ट में हमारा बेस है ए बी और हाइपोटेनियस कौन है, हाइपोटेनियस विल बी सेम दैट इज ए सी। तो ए बी का वैल्यू कितना है, दैट इज 24 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, हेंस द रेशियो विल बी 24 बाय 25। सिमिलरली अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में हम लोगों को सब कुछ सेम निकालना है, बस हमारा एंगल जो है वो बदल दिया गया है। इस बार कौन सा निकालना है, साइन सी। साइन सी तो साइन रेशियो किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का। अब एंगल सी के रिस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर कौन सा हो रहा है, दैट इज ए बी एंड हाइपोटेनियस इज ए सी। सो नाउ द रेशियो विल बी 24 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, दैट इज 24 बाय 25। एंड फिर से कॉस सी, अब कॉस सी अगर हम लोग देखें, कॉस किसका रेशियो होता है, सिर्फ आपको ये डिटरमाइन करना है कि कौन सा किसका रेशियो है, कॉस किसका रेशियो है, तो बेस और हाइपोटेनियस का। अब देखना है किस एंगल के रिस्पेक्ट में, तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में, एंगल सी के रिस्पेक्ट में हमारा बेस कौन सा है, वो है बी सी और हाइपोटेनियस ए सी। तो ये कितना बन गया, बी सी दैट इज 7 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, सो दिस इज इक्वल टू 7 बाय 25। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत ही सिंपल है। सिर्फ हम लोगों को क्या डिटरमाइन करना है, किस एंगल के रिस्पेक्ट में देखना है, रेशियो कौन सा है, साइन रेशियो मींस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, जैसे ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन हो जाता है, बी सी, हाइपोटेनियस तो वही रहता है हर बार। और जब कभी भी दो साइड्स दिए हुए हों तो हम लोग ट्राई करेंगे क्या कि तीसरा साइड्स जो है वो निकाल लें। तीसरा साइड्स निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं,
कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कभी परपेंडिकुलर अगर निकालना हो देन पी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कभी अगर बेस निकालना हो तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इन तीनों फॉर्मूला की मदद से हम लोग तीसरा साइड जो है वो निकाल सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1। अगर समझ में आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।